फिक्स माइंड ऐसा होता है, इसका जो ग्रोथ माइंडसेट का विपरीत अपोजिट क्या है? फिक्स माइंड, नो गोल। 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, जवान हो गया, खा रहा है, पी रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, कपड़े में पहन रहा है, शादी में जा रहा है, कोट पहन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लाइफ में क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझा। ऐसे नौजवान है ना आजकल, तुमको ऐसा बनना है? नहीं बनना है, बोलो नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। ए बेटा तुम लोग खाओ, अच्छा नो प्रॉब्लम, अच्छा पहनो, स्टाइल करो, अच्छी गाड़ी में घूमो, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी गोल ओरिएंटेड। तुम्हारे सामने, आंखों के सामने हमेशा तुम्हारा गोल, तुम्हारा गोल, तुम्हारा विजन तुम्हारे सामने होना चाहिए। जो फिक्स्ड माइंड होता है, फिक्स्ड माइंड में मैं किसका मिसाल दिया था? कोडाक। आपको कोडाक होना है या निकॉन होना है? निकॉन होना है तो पहली वाली बात ले लो। कोडाक होके अगर पीछे अगर रहना है तो आप लोग गोल लेस लाइफ, गोल लेस ईयर्स, जिंदगी खत्म हो रही यार। जस्ट इमेजिन, मैं एक सांस लिया, एक मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट किया मैंने, कितना सेकंड? 1 सेकंड। 1 सेकंड मैं मौत से करीब हो गया या मौत से दूर हो गया? देखो मेरा लाइफ शॉर्टन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और मेरा लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं है। मेरी मौत, मुझसे पता नहीं कब मौत आएगी, नहीं मालूम, बट मैं विदाउट विजन और विदाउट गोल मेरी लाइफ गुजार रहा हूं। और जो फिक्स्ड माइंड का होता है ना, सीकिंग प्रेज, लोग तारीफ करना मेरी, जो फिक्स्ड माइंड वाला क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करता, कोई अलग, तू बराबर नहीं है, तुझमें फलां गलती है, इंटॉलरेंस, मेरे बारे में ऐसा कैसा बोला उसने, गुस्सा आ जाता है। फिक्स्ड माइंड ऑलवेज सर्च एंड आस्क, सीक फॉर व्हाट? प्रेजिंग। एनीबॉडी शुड प्रेज हिम एंड व्हाट? उसकी तारीफ करना, ओ माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। अगर किसी ने उसको क्रिटिक किया तो गुस्सा हो जाता है। तो फिक्स माइंड क्या करता है? सिर्फ अपनी तारीफ, लोग मुझे सब लोग अच्छा बोलना, अच्छा बोले तो मैं अच्छा, कोई खराब बोले तो मैं खराब। तो फिक्स माइंड का क्या होता है? कंफर्ट जोन विदाउट डेडिकेशन लाइफ। फिक्स माइंड वाला क्या करता है? दूसरों से जेलेसी करता है। फिक्स माइंड वाला क्या करता है? जेलेसी, हसद, जेलेसी करता है। अगर कोई ज्यादा नंबर ले लिया आपके क्लास में, आपके क्लास में कोई अगर प्राइज ले लिया, आपका कजिन अगर अच्छा जॉब लग गया, आपके कजिन को, आपके भाई को, आपके किसी को भी, दोस्तों में किसी को कुछ बड़ा हो गया, फायदा हो गया, तो हसद करता है। फिक्स्ड माइंड, खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए था हमको? खुश होना चाहिए था, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए था, ऐ अल्लाह उसको भी तूने दिया है और मुझे भी तू ही देगा और मुझे बहुत देगा, समझे आप? हसद नहीं करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास माल है, पैसा है, वेल्थ है, और मैं गरीब आदमी हूं। अगर मैं ये सोचा कि भाई इसके पास अगर आपके ऊपर मैंने हसद किया, जेलेसी किया, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट जस्टिस। मैं ये बोल सकता हूं, आए अल्लाह उसको भी दिया है ना, मुझको भी देना, दैट इज फेयर। आए अल्लाह उसको अगर 100 रुपए दिया है तो आए अल्लाह मुझे 200 रुपए देना, उसको भी देना, मुझे भी देना, दोनों में फर्क है ना। एक आदमी क्या बोल रहा है? आए अल्लाह उसको नहीं देना, मुझे देना, इसको बोलते हैं हसद, जेलेसी। और एक बोलता है आदमी, दूसरा आदमी बोलता है, ऐ अल्लाह उसको जो तूने दिया है मुझको भी दे, मैं भी वैसी मेहनत करता हूं इंशाल्लाह। दोनों में फर्क। जो फिक्स्ड माइंड वाला जो टीन एजर होता है, यूथ होता है, राइट, वो जेलेसी करता है, और दूसरों के अंदर कुछ अगर अच्छा चीज देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, मैंने हो, दूसरों की खुशियों को देखकर हम खुश हो। ओके, नेक्स्ट, कंपेयरिंग विद अदर। फिक्स्ड माइंड वाला क्या करता है? अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है।
अपने डिग्री को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपने गाड़ी को, अपने फिजिक को, अपने बाल को, अपने ड्रेस कोड को दूसरों से कंपेयर। ए कंपेयरिंग वो किसी से आप फिर कभी भी खुश नहीं रहता। क्यों? समझो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बाल सबसे अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल, थोड़े दिनों के बाद और अच्छा बाल वाला तुमको दिखाई देगा, उससे अच्छा, तुम्हारे से भी अच्छा बाल, उससे भी तुम कंपेयर करेंगे। कभी भी खुश नहीं रहता वो आदमी जो दूसरों से कंपेयर करता है अपने आप को। किसी से कंपेयर मत करो। हा? जो फिक्स माइंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फिक्स माइंड वाले जो ये होते हैं, अपने कलीग्स और अपने क्लासमेट से वो लोग कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करना गलत है। कंपेयरिंग करेंगे तो आप फ्रूटफुल नहीं बनेंगे, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप हार्डशिप नहीं करेंगे, और आप अंदर का अंदर आप वीक होते चले जाएंगे। तुम्हारे अब्बा तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा टीचर तुमसे पूछेगा, क्यों तूने 50% लिया या जस्ट पास क्यों हुआ? तुम रीजन बोलेंगे, मेरे फैमिली में दो शादी थी कजिन की, वो शादी में बिजी हो गया मैं, एग्जाम उसी टाइम पे आया। दैट इज द यू आर फाइंडिंग रीजंस अननेसेसरी व्हिच इज इनवैलिड। यू शुड एक्सेप्ट दैट समथिंग इज वेंट रॉन्ग। आपने कुछ गलती किया है उधर।